अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्त जाहिर मंडी का पीर, रास्ता भी समझा देना और भाई। मंडी का रास्ता पूछ रहे हैं नहीं पता कि मंडी। अब ये हमने हाईवे से देखी है, यहीं से 400 से। लेफ्ट पे जो है ना वो मुड़ना है, और हम लोग पहुंच चुके हैं जाहिर पीर। लास्ट व्लॉग में ने बताया था हम लोग परचेजिंग के लिए निकले हुए हैं पंजाब साइड, और सबसे पहले हम लोग जाहिर पीर करने आए हैं। और जाहिर पीर की मंडी भाई जुमेरात को लगती है, यहाँ की वीडियोस नहीं आती उमूमन। हम लोग भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अब देखते हैं कोई जानवर मैप्स पे किस सर्च तरीके कर के लियो भाई आते हैं। वो मैक्स। भाई ये जा रहे हैं गाड़ियाँ, वो उस तरफ से जा रही हैं आगे से, तो ये रेलवे अभी रास्ता नहीं पता हमें किधर। बस रास्ता बंद कर यार। यहाँ से मोटरवे से ही देखा है कि जो अच्छा है वो रास्ता में ये ले समझ उल्टे हाथ पे लिया देखा तो गाड़ियाँ दिख रही थी, खड़ी हुई मुझे माल पता है मुझे उतरा हुआ पता दिख है। रहा है। अभी देख सकते हैं रोशनी भी नहीं, क्योंकि भाई सुबह के 4:45 हो रहे हैं, बस आप बज भाई रहे वो हैं। गूगल पे देख लें और देख मैप लो भाई, पे। देख लो भाई, एहतियात में देख लो, कोई ख्वारी ना हो जाए। वैसे लेफ्ट पे जो है ना वो ये रहा ना जाहिर पीर, लेफ्ट पे राजनपुरी, ये देख सकते हैं सामने, ये रिफ्लेक्शन हुआ हुआ है ना वो देखें। जाहिर देख देख पीर लेफ्ट लेफ्ट राइट। पे, हाँ देख रहा राजनपुर हूँ यार। राइट पे। चले जी लेफ्ट मुड़ेंगे इंशाल्लाह, और मंडी यहाँ पास में ही दिखा रहा था, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही जाना पड़ेगा हमें वापस। हाँ ये है ना, ये वहाँ जाना है। नहीं, गलत ये जा रहे हो, गलत जा मोटर रहे हो, वे गलत ही जा रहे हो, सामने ही जाना है। यहाँ जाना है, इस तरफ से जाना है। हम मोटरवे पे, हमने इस तरफ देखा था ना, ये मोटरवे है ना। नीचे हाँ नहीं तो जाना इस अपने तरफ को। देखा था, इधर इधर जाना है, हो अभी सकता है तो इधर चलो कहाँ आगे से जाऊँ, आओगे। इधर कहाँ से जाऊँ, चले आगे जी जाना पड़ेगा आगे से भाई। घूम कर आते हैं, इधर रास्ता जा रहे हैं समझते हम। हैं। ये आ गया भाई, हमारा यू टर्न ही आ गया। ये देखो भाई माल ही जा रहा है, जाहिर पीर मंडी बोल पहुंच रहा जाओ ना, हूँ कहीं और सोलापुर पहुंच जाते हैं। ना भाई, देखते हैं। अब तो बस यही है कि पीछे पीछे भी चले हैं तो भी टेंशन नहीं है, ऐसा ही है, वो गाड़ियाँ ये मोड़ किसकी ही बात रही कर हैं रहे हैं? है इसकी। आज छोटा माल भी लेना है उसामा, नहीं अच्छे रेट बोल रहा है इसने। 55 लाख 55 डिमांड की है। पचपन मंडी के अंदर एंट्री हो रही है भाई, हम गाड़ी के पीछे पीछे घुस रहे हैं। मंडी राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड दोनों साइड में। बड़ी लग रही है मंडी, देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से वहां पर इससे पूछूं क्या सीन। पार्किंग पूछूं मैं? हाँ पूछ लो यार, बारे राइट वो गाड़ी साइड, खड़ी हुई है, वो देखो सीधे हाथ पे राइट राइट। साइड पे मंडी गिर गई है, लेफ्ट साइड पे मंडी गिर गई है। ये उसामा का दिमाग अलग ही चल रहा यार है। मैं मेरी वो बीनाई रही के वो रही हिसाब से बात कर वो रहा रही हूँ। वो रही वो रही, वाइट गाड़ी खड़ी है ना, वो तो लंबा करती है ये भी लड़कियां खड़ी क्या है, ये भी खड़ी हुई है। बकरे भी आए हुए बकरे तो राजनपुर। बहुत ही सस्ते हैं। हाँ 10-10 हज़ार रुपये फी पुट्ठा। अब इसको तो देख कैसे जल्दी हो रही है भाई। और देख कर करके निकलना भाई, पूछ लो कि यही आप बोल रहे हो बेटा पार्किंग मंडी लगती कहाँ है भाई? यहाँ पे गाड़ी खड़ी है यही पार्किंग हो गई। है। मतलब गाड़ी तो आगे भी भाई ये है माहौल, बैग निकाल मैं कमर से जा देख रहा रहे हैं हूँ। माशाल्लाह। सुबह सुबह हम मेहनती 4 बंदे पहुंच चुके हैं, और ये सीन है, ये देखें भाई आ रही है गाड़ियाँ भी। हम लोगों ने गाड़ी अपनी थोड़ी दूर ही लगा दी, देखते हैं अब क्या होता है, पता नहीं मंडी कैसी है। अच्छा भाई हम लोग मंडी थोड़ी सी देख रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं क्या यहाँ के मामलात हैं। अभी तक तो बड़ा मुश्किल हुआ है कि कोई अच्छा काम की चीज़ें जो है ना यहाँ से ढूंढना, ठीक है। नस्ल है यहाँ पर, नस्लें चीज़ें दिख रही, लेकिन रंग जो देखना असल आए वो भी थोड़ा सा। माशाल्लाह ये बच्चा अच्छा है, इसके पूछते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना अभी एक समझ ये आया है, एक वो समझ आया है, तो इसके पैसे लगाए तो ये तो भाई साहब नाराज़ हो रहे हैं। बहरहाल ज़रा देख लेते हैं मामला क्या करना है, क्या होता है। अच्छा दोस्तों भाई अभी रेट्स नहीं है, तो 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, थोड़ा सा गुलाबी है तो वो फिर ऐसे है रेट्स भाई, क्या करें। रेट कैसे है सामान? इतने दूर आया फिर कदर ही नहीं कर रहा। कोई कदर नहीं कर रहा, चले एक चीना सा मजा आया वो देखता हूँ। अच्छा दोस्तों भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहला जो सौदा हुआ है भाई हमारे मुइज भाई का, इनके लिए 2 साल बाद के लिए बच्चा जो है ना देखना था, तो माशाल्लाह से भाई ये बच्चा जो है वो डन कर दिया अल्लाह ही करम से, और उनको भी दिखा दिया, पसंद भी आ गया, और माशाल्लाह 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 भाई हमारा पहला सौदा हो गया अल्लाह ही करम से। और बच्चा मैं आपको दिखाऊं, तकरीबन 7 महीने का ये है, 7 महीने बता रहा है, और हमें भी इतना ही लग रहा था, हम खुद से भी तो देख रहे थे ना,
इतना ही दिख रहा था माशाल्लाह। ये मुझे फखरे करीम की याद दिला रहा है, ये देखे भाई एक तरफ ब्राउन एक तरफ वाइट, माशाल्लाह 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 नजर बस से बचाए। तो ये सीन है बॉस, अलहमदुलिल्लाह हमारा पहला सौदा हो चुका है भाई माशाल्लाह। ये दो साल तक उनके लिए पालना है, उनकी कुर्बानी के लिए मोहित भाई की माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों भाई अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह तुम्हारी लात की कहानी सुननी है भाई माशाल्लाह से। एक ये बच्चा और एक ये बच्चा अलहमदुलिल्लाह तीनों डन कर दिए, ठीक हो गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखते हैं किन के नसीब में होते हैं ये। इसको भी खोल के दिखा दे, ये भाई लेके उतरे ही और मेरे इतने दिल को लगे तीनों ही बच्चे। यहाँ खोल के एक एक ये भी दिखा दे, फिर वो भी दिखा देना। माशाल्लाह माशाल्लाह नस्ल भरपूर, बनावट अभी से ही भरपूर माशाल्लाह बच्चों की माशाल्लाह माशाल्लाह। अब उसको खोल दे एक, सलामी वलामी भी बहुत अच्छी माशाल्लाह मिला। बस अब देखते हैं किन किन भाइयों के नसीब में होता है ये। अल्लाह पाक खैर वाफियत के साथ हमें इसको कराची पहुंचाए, उसको देख लेते हैं। चलो चलो आ जाओ। नहीं भाई आप बिक गए भाई, बिक गए। पैसे कराओ उसको, पैसे कराओ। अच्छा जी यहाँ पे इतने सारे व्यापारी खड़े थे, हाँ मैं दे रहा हूँ। ये इतने सारे खड़े थे उनके बीच में, सबके बीच में तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई बोला ना जल्दी जल्दी आओ, ट्रक पे खड़े हुए तड़ लिए थे मैंने, अल्लाह आओ इसने साथ में मुझे बोला मानी भाई आ गए काम की चीज़ है, अल्लाह बस छोड़ने नहीं है इंशाल्लाह। चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो चीज़ें इस साल नहीं अगले साल सही वाला काम दिखाएंगे, पूरी पेमेंट करा रहे हैं भाई। भाई अल्लाह की करम से काफ़ी देर की जिद्दोजहद के बाद कुछ बड़े बछड़ों पे भी हाथ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और खीरे हैं ये तीनों ही, ये एक माशाल्लाह बड़ा बच्चा और ये तो माशाल्लाह फुल हाइड्रेटेड में भी है अभी से, खीरा है कच्चा खीरा। और एक ये बिचोला बच्चा है माशाल्लाह, खोल के दिखा एक एक करके यार। ओए बच्चा खोल के दिखा एक एक करके, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया। अच्छा ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो बुक करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, यहाँ पे हमारे जानने वाले व्यापारी हजरात भी है माशाल्लाह से, तो उनको भी दिखा दिया है। ये जरा इसकी नथ जो है वो काफी टाइट है, नहीं है तो ये थोड़ा सा सही जो है ना वो भी इस तरीके से चल रहा है माशाल्लाह। तो भाई ये सीन है, हमारे ये बच्चे यहीं खड़े हैं अभी तीनों, इसके अलावा ये तीन ले लिए, तो अब छः और एक जो है वो बच्चा माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह। खीरे 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 देखे मैंने था, ये भी खीरा है, ये तो माशाल्लाह काफी हाइट वाला है, शोल्डर पे इसकी मेरी इसकी कमर जो है ना वो शोल्डर पे आ रही है और माशाल्लाह से तकरीबन और सलामी और वो ऊपर जा रहा है माशाल्लाह, बड़ी माजरत है माशाल्लाह। फुल नाव झालर भरपूर बनाओ में, ये तो बनाओ में भी अभी से माशाल्लाह आप देख सकते हैं, जबरदस्त चीज है माशाल्लाह। चले जी देखते हैं अब मजीद जो है वो क्या होता है, अल्लाह पाक खैर रखे, ठीक है जी। तो दोस्तों भाई एक इस बछड़े का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन सौदा हो गया समझ लें, और ये मैं वैसे बेसिकली ले रहा हूँ आमिर भाई के लिए, एक काशिफ भाई के लिए देखना था वैसे तो, लेकिन आमिर भाई से मेरी बात हो गई है तकरीबन, तो आमिर भाई के लिए जो शाहीन वाले हैं ना आपको पता है उनको तो बड़े बछड़े ही लेने होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त। और ये खीरा है अभी तो इसके हवाले से क्या है तकरीबन बंदे से बात हो गई है, यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ का रश लगा हुआ है, ये लोग भी गए यहाँ पर, ये रश देख रहे हैं। वह क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या मिल रहा है फ्री में, कुछ मिल रहा है क्या? मकरान इलाके जो है बड़ा सोने की तरह चमक दी है,
सुबह के अल्लाह की मेहरबानी के नाल कीने नाल दा नींबू चक्कर वाला शरबत ना तो बनावे ना तो बेचे ना तो पियावे भागती जावे सामा खोलना है भाई बछड़ा सामा को लेके भागेगा ये बछड़ा यही तो प्लान था भाई आप भी साथ भाई एक खोल लो जरा बाकी यही तो लेके जाना है वो रहा ना एक तरफ कर रहे हैं भाई सारे जानवरों को और गाड़ी हो चुकी है और जो है ना क्या कहते हैं एक तरफ कर लेते हैं सारों को लोड कर भाई ओए अबे पकड़ सामा रोक ले किसी का भला हो जाएगा यार लाते वाते ना मारते आ जाओ भाई रास्ते पे आ रहे हो तुम क्या पकड़ लो भाई तुमने तो छोड़ दिया बस ले जाए कोई भी चढ़ाओ भाई समीत भाई ये गाड़ी है चले भाई ये गाड़ी हमारी हो गई सारा माल अभी इस पे लोड कराते हैं अबे धक्का ओ गड्ढा है ये तो अगर यहाँ पे गया बछड़ा तो फंस जाएगा लंबा ध्यान रखना पड़ेगा बहुत पतली जगह है भाई यहाँ पर वीडियो बनाना भी मुश्किल लोडिंग कराना भी मुश्किल ये चीज समीत भाई क्या बात है भाई जबरदस्त हो गया ये भाई फुल ट्रेंड बच्चे हैं अभी से ओ भाई ये किधर चढ़ गया हमारा बच्चा है ये हमारा बच्चा है भाई हाँ गलत चढ़ गया है ये बोलो देखा देखा लग रहा है चले भाई गलत चढ़ गया इधर भाई ये भी अलहमदा मैं कहा था चल लिए तकरीबन हो जाएगा उम्मीद है अलहमदा हो गया उसका क्रेडिट भाई आसिम भाई को जाएगा और उन्होंने इसका नाम सजेस्ट किया तारजन तो आप लोग भी बता दिएगा भाई तारजन नाम डन कर दें क्योंकि बछड़ा खीरा है अभी ये और इसकी हाइट लेंथ चेक करो बॉस माशाल्लाह से क्या बात है खींचना पड़ेगा उधर की तरफ भाई आप खींचो ढीला नहीं करो आप खींचो लंबा बछड़ा पीछे ना चलाया गिर बिस ठीक हो गया भाई मैं इन बछड़ों को जाते हुए देख रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ यार देखे देखे बछड़े लग रहे अपने ही बछड़े हैं भाई और ये आ गया भाई ले आ भाई आसिफ भाई ले आओ लूट लिया अबे यार असद ओए होए इसकी एक आँख खिंची आँख है वाइट आईज है ए दबंग माल है सारा माशाल्लाह माशाल्लाह को बता लग ला एक का तुम्हारे कहने पर नाम रख रहे ना तारदन बड़े वाले का माशा अरे बिस्मिल्ला ओए अबे भाई इसको भी कर दो कहीं ले ना जाए यार वो हमारा बच्चा अच्छा ये भी अपनी है चढ़ सबसे भरा हुआ जो बछड़ा है ना वैसे इस स्लॉट में पूरी ये बड़ा भारी भी है कद भी अच्छा है माशाल्लाह 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 आजा 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 यार इसकी आंखें है ना बहुत शो है यार देख रहा हूँ माशाल्लाह क्या बात है भाई जम ना मारे गाड़ी आगे कर ले भाई जम ना मार लेना यार खाई है ओ बिस्मिल्लाह खेज गया अंदर वो हो गया मुश्किल असल में यहाँ है गड्ढा ये पूरा गड्ढा है बछड़ा शायद डर रहा है इसी वजह से जाहिर है घुस गया वो पीछे अल्लाह हाफिज़
बहुत हसन है, बहुत हसन है, अच्छे हैं माशाल्लाह, नस्ल भी बहुत है भरपूर। नहीं भाई दोनों को खींच दिया इसने, ट्रक आगे कर ले, ट्रक आगे कर ले, ट्रक आगे कर, गाड़ी आगे कर, मैं बता रहा हूँ गाड़ी आगे करेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अबे भाई इस तरफ आया उधर से डाल लिया, ओ वाह फुल ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, क्या बात है भाई। अच्छा दोस्तों भाई यहाँ पर आसिम भाई ने हमारी भी हेल्प कराई है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आसिम भाई ने हमारे एक और दोस्त आए हैं हमारे साथी, वो भी जो है ना उसमें भी सौदा कराने में, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया आसिम भाई इसको भी देख लें। तो ये देख रहे हैं बछड़ा जो सामने खड़ा है, ये जो ये बंदा वीडियो बना रहा है भाई, ठीक हो गया माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। ये हो गया भाई कजला बछड़ा, आसिम भाई ने जो है शामीर को सौदा कराया है, शामीर भी यहाँ पर आया हुआ है भाई, ये हो गया भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। आ गए भाई फाइनली, हमारा बच्चा आ गया, निशानी निशानी इस पर लगा दे रही, ये गायें भी एक है लेकिन ये तो अलग है, ये गायें भी एक है डाल ली सामान्य ब्रीडिंग पर्पस के लिए हम उधर, ये तो लइया जाएगी क्या करेंगे भाई, कितना खरीदी है, ये हो गया भाई। भाई मंडी करने के बाद हम आ रहे हैं भाई और आसिम भाई के साथ ही उनके कैटल फार्म पे, और ये बच्चा चेक करो, ये अभी दो दांत निकाल रहा है भाई, अभी इसकी तफसील लेते हैं। ये ज़्यादातर वैसे ब्राह्मण्स में काम करते हैं, ठीक है, बाकी का कलेक्शन भी देखते हैं, माशाल्लाह एक नंबर चीज है भाई, क्या बात है भाई, दो दांत निकाल ला और इतना वजूद, उफ छुट्टी गुलाबी नाक माशाल्लाह। बाकी का भी भाई अभी हम लोगों ने वैसे फ्रेश हो गए, अभी ठंडा ठंडा पानी जा रहा है। और भाई ये है आसिम भाई और ये है माशाल्लाह इनका कलेक्शन जो कि आता रहता है जाता रहता है माशाल्लाह। आसिम भाई कौन सी ब्रीड में बता रहे थे आप? अच्छा उसका बच्चा है ये भाई, ब्रीड में माशाल्लाह एक नंबर सारे बच्चे होते हैं इनके पास, क्या बात है भाई माशाल्लाह। जाहिर बीर में ही इनका ये समझ लें आप जगह है, एक से एक माशाल्लाह, ओए होए खूबसूरती चेक करें भाई माशाल्लाह। अच्छा ये उस ब्रीडर का है सूरती जो पटेला, जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा क्या बात है भाई, दो महीने, क्या बात है, बेहतरीन माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, एक से एक चीज है, ये सीन है। मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को अगर रब्ता करना हो तो भाई, ये क्वालिटी अलग चीज है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है भाई, ठीक हो गया भाई। अच्छा दोस्तों भाई अब हम लोग देख सकते हैं भाई माशाल्लाह खेत खलियान और उसके साथ भाई ट्यूबवेल में आ गए लेके भाई हमें आसिम भाई, और ट्यूबवेल में जो है ना सामा का तो कहना है कि मैं तो नहीं जा रहा भाई, हैं अबे यार यहाँ आए और ये मजा ना ले यार, बहुत गीले हो जाएंगे, अब बहुत गीले हो जाएंगे ये सीन है भाई। चले भाई अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो जाते हैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों भाई काफी लंबी नींद के बाद मुझे पता चला हम लोग कहाँ मुल्तान पहुंच गए, मुल्तान पहुंच गए भाई, तकरीबन कोई 3 घंटे की ड्राइव शायद की है, हाँ 2.5-3 घंटे। बुरा हाल हो गया भाई, बड़ी बात है ना बगैर सोई गाड़ी चले, ढाई 3 घंटे 5 घंटे के बराबर थे हम तो तीनों सो रहे थे भाई, मैंने देखा ये दोनों भी सो रहे थे।
बहरहाल मुल्तान मुल्तान वाले अस्सलाम वालेकुम। और क्या है अभी बस बहुत घूम लिया है उसामा। अब पीएफ बेस मुल्तान, पीएफ बेस मुल्तान में वही स्टे है। उससे पहले खाना है ना, जाने खाना खाते हुए जाना है, ये खाना खाते हुए जाना है। कल रात में जो आप लोगों के साथ व्लॉग में खाना खाया है ना, वो वही खाया है। उसके बाद खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं, कुछ भी नहीं खाया। पानी ऐसी हो गई थी, वो रोक तो रहा था लेकिन हाँ, उन्होंने आसिफ भाई ने जो है ना वो हमें काफी इंसिस्ट किया, लेकिन जो है ना हमारा हो रहा था बस हम निकलेंगे। तो ये सीधा भाई बहुत नींद आ रही, मुझे तो बहुत नींद आ रही, दिल चाह रहा सो ही जाऊं। खाना वाला लेफ्ट होश ही नहीं। कहां से कहां लेफ्ट है अबे, कहां लेफ्ट, ये इधर इधर से लेफ्ट लेना था भाई, यू टर्न ले लूं। अबे इधर कहां जाओगे, लेकिन अंदर कचरा था। अबे यार ये अब सोच लो, तो मैं क्या करूं, ये दे रहा कभी ना गूगल गूगल लेफ्ट दे रहा है और लेफ्ट में कोई जगह ही नहीं है। अच्छा जी अभी देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं, तो पता नहीं भाई। सेवन मुल्तान लो, चले यार अल्लाह खैर करे। आ गई भाई आ गई, गर्मा गर्म बिरयानी आ गई है। ओए होए होए होए, दिखने में तो अच्छी लग रही है, बड़ी देर में आई लेकिन चलो देखते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले सादे चावल जो है ना आगे देखते हैं। भाई अपना हाल बता दीजिए। सादे चावल खाए बहुत। हेलो जी अनस, आप भाई क्या हाल है, कैसे हो साहब? होता यार जितना चावलों में जायका है उससे अंदाजा हो रहा है यार। कर दे मेरे पूछा कह रहे हैं मिस कर रहा है क्या खाने में सब अच्छा। अबे मुल्तान आया, वो यार वो ऐसे हां आया आया नहीं आया, मैंने चेक लिख भी तो आया नहीं। आ जबरदस्त, हमने चिकन टिक्का बिरयानी जो है वो आप उसके यहाँ बैठने की जगह नहीं है। ये लोग तो बातें कर रहे हैं, रिव्यू क्या ले अभी उनसे आ रहे तो यार बहुत भूख लग रही है। अगर कौन और मैं दिखा देता हूँ भाई, मास्टर बिरयानी, मास्टर बिरयानी जबरदस्त भाई। अलहमदिल्ला हम लोग अपने जो आराम करने की जगह है ना वहाँ पहुँच चुके हैं, और काफ़ी अच्छी जगह है। वैसे मैं यहाँ का आपको पूरा नहीं दिखा सकता, वी आई गेस यहाँ पे तो अलाउ भी शायद ना हो वीडियो वगैरह, बट ये है कि थैंक्स टू जमान भाई थैंक्स टू जमान भाई, बड़ी ज़बरदस्त एक जगह हम लोगों को पी ए एफ पे आप बस समझ जाए होटल, यहाँ पर गेस्ट रूम है वहाँ पे जगह मिली है। देखते कमरे कैसे हैं, अभी उसामा गया है बात करते हैं। अच्छा दोस्तों भाई रूम टूर, और भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सब कुछ हो चुका है। मेरे ख्याल में यहीं पर ही ब्लॉग को एंड कर देना चाहिए मुझे। कमरा वगैरह ज़बरदस्त वी आई पी था, मैंने पहले ही थैंक्स टू जमान भाई कर चुका हूँ, फुल चिल माहौल है। जमान भाई पूरी वाले सब जमान भाई जमा एक ही है अभी फिलहाल। थैंक्स किया पूरी दी थी नहीं यार उन्होंने नहीं किया तो ये सीन है बस यहाँ पर जो है ना इजाजत दें यार, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने यहाँ आराम ही करना है। रात में निकले तो निकले, लेकिन वो यही होगा उसके लिए व्लॉग के लिए अगर रुकूंगा ना तो फिर वो आपका डिले हो जाएगा, तो व्लॉग को यहाँ पे करते एंड। बाकी अभी आमिर भाई से बात हुई, मैंने आप लोगों से कहा था कि एक बछड़ा जो बड़ा वाला बछड़ा है ना उससे बड़ा वो आमिर भाई ने डन कर दिया है, मतलब उनको उनके लिए किया था उन्होंने डन भी कर दिया मेरे कहने पर, शाहीन नाम रख दिया उसका। तो
एक मोहित भाई का बछड़ा हो गया, इनका हो गया, आमिर भाई का, बाकी एक दो बछड़े हैं उसके हवाले से जो है ना, वो एक दो हमारे जिन्होंने प्री बुकिंग कराई थी उनके लिए है, लेकिन उनमें से कौन सा वो लेंगे इससे अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो मैं बता नहीं पा रहा। ये सीन है, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।